आदाब दोस्तों, पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी की फाउंडर ऐश सैयद आपके सामने हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस कैंपेन की रिक्वेस्ट और अपील के साथ। द मंथ ऑफ अक्टूबर, ऑल्सो वाइडली नोन एज पिंक्टोबर, इज अ सिंबल दैट ब्रिंग्स आवर अटेंशन टू ब्रेस्ट कैंसर इन विमेन एंड मेन। दिस इज अ टाइम टू सेलिब्रेट सर्वाइवर्स, बिकम एजुकेटेड and come together to raise awareness to fight the disease. While cases are reported for men around the world, breast cancer is the most commonly diagnosed cancer in women, and it is the second leading cause of death among women. Current statistics tell us that 109 women die every 24 hours due to breast cancer. Har saal, with over 40,000 deaths and additionally 90,000 new cases, indeed this is a matter of serious concern. PGC platform ke zariye meri aap sab se ye request hai ki please is mauzu ko lightly na le. Breast cancer awareness is not just a month, and knowing that it exists is not enough. We have to educate ourselves first and then move ahead with creating awareness around us. Internet ka daur hai, har tarah ka exposure majority logo ko hasil hai, lekin abhi bhi is topic par baat karne ko taboo samjha jata hai hamare gharon mein. Aisa kyun? Jaise ki hum body ke kisi bhi hisse ke bare mein conscious hote hain, khayal rakhte hain, khansi bukhar ki halat mein फॉरेन डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो इस बारे में क्यों इतनी लापरवाही? आई एग्री, इट्स अ प्राइवेट बॉडी पार्ट, बट टॉकिंग कॉन्फिडेंटली अबाउट ब्रेस्ट हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज एनी अदर बॉडी पार्ट. लेट्स नॉट मेक दिस ऑकवर्ड फॉर आर सेल्व्स एंड स्पेशली फॉर द वुमेन अराउंड अस. आपसे जब जहां पॉसिबल हो जस्ट स्टेप इन to support breast cancer awareness. और इसी मकसद को आगे बढ़ाने की कोशिश में मैं आज आपके सामने हाजिर हुई हूँ, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती. आप सब इस अवेयरनेस कैंपेन में मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ साथ अपनी आवाज भी लोगों तक पहुँचाएं, सॉन्ग इनवाइट्स ओपन करें, ओपन माइक स्पीचेस पब्लिश करें, हैशटैग गो पिंक विद पीजीसी यूज करें, हमारा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पोस्टर अपने इनवाइट्स पर आज कवर पिक्चर लगाएं. और ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ओवर 1000 कोलैबोरेशंस हुई सिर्फ 3 हफ्तों में जब आप सबने साथ दिया पीजीसी सोशल केयर प्रोजेक्ट में. लेट्स डू दिस अगेन. जो दोस्त कैंसर जैसी अनफॉर्चुनेट डिजीज से या तो लड़ रहे हैं, या हिम्मत से जिन्होंने हर पेनफुल मरहले को तय किया और आज दे आर कैंसर फ्री, प्लीज ये मैसेज उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि वो दोस्त अपने ओपन माइक स्पीचेस के जरिए बहुत से स्ट्रगलिंग दोस्तों की मदद दे सकते हैं अपनी जर्नी के बारे में बताकर. Please don't shy away from sharing your survivor stories with others. You never know, your words will bring peace, hope, strength and love to grieving hearts who are struggling from this dreadful disease. And we'll be extremely honored to share your stories on our social media pages, ताकि हजारों लोगों तक आपकी आवाज पहुंच सके. आखिर में फिर इसी बात पर स्ट्रेस करना चाहूंगी कि प्लीज एजुकेट योरसेल्फ अबाउट ब्रेस्ट हेल्थ. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट योर डॉक्टर एंड फिजिशियन इज. उनको कंसल्ट करें इस बारे में. अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, मेंटेन अ बैलेंस्ड डाइट, डू रेगुलर एक्सरसाइज, सेट अ रूटीन फॉर योरसेल्फ, क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल. यंग बच्चियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो रेगुलरली सेल्फ एग्जामिनेशंस करें, और किसी भी ब्रेस्ट एरिया में लंप फील होने की सूरत में
फौरन अपने डॉक्टर से रابطہ करें। मर्द और ख़ास कर हमारी वो ख़वातीन जो कि 40 ईयर्स अबव एज हैं, उनको एनुअल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, जिसको मेमोग्राम कहा जाता है। इट इज़ एन एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज। जान है तो जहान है, अपना बहुत ख्याल रखें। हम सबको अपनी दुआओं में शामिल रखें। मुझे सुनने और पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।